हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ था और कौन व्यक्ति किसके नेतृत्व में थे। तो समझिएगा, आज की इस वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है और एक प्रश्न इससे निश्चित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न समझेंगे कांग्रेस के बारे में, जिसको बोलते हैं INC, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। समझिएगा, हिंदी में नाम है इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको बता दें कि यह राजनीतिक दलों में सबसे पुराना दल है, यानी यह राजनीति में सबसे पुरानी पार्टी है। समझिएगा, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। किसने किए थे? तो ये किए थे एक्टेलियन एओ होम, इनका नाम है एओ होम, जिनका पूरा नाम है एलियन एक्टियन होम, इनका पूरा नाम है। प्रश्न पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है, तो यह किया है एओ होम, यही देता है एओ होम, जिनका पूरा नाम है एलियन एक्टियन होम। तो समझिएगा, यह जो कांग्रेस की स्थापना हुई है कहाँ पर हुई है, तो यह हुई है मुंबई में। कहाँ पर हुई है? मुंबई में हुई है। यह दोपहर के समय में। स्थान पूछे तो स्थान हो जाएगा गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज और विश्वविद्यालय भी देता है। अगर पूछ दे कि यह स्थापना कहाँ पर हुई है, तो बम्बई में, जिनका पुराना नाम है बम्बई अब है मुंबई। कहाँ पर हुई है? तो गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय स्थान का नाम है। समझिएगा, एक प्रश्न बनता है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम है उमेश चंद्र बनर्जी। अगर यही महिला की बात करें कि महिला प्रथम कौन थी, यानी कि INC, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अगर प्रश्न पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो लिख लीजिए प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा इसे। प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। सभी का सभी इम्पोर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। अगला समझेंगे पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट समझिएगा, जो पूना पैक्ट है इसको तो इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। पूना पैक्ट जो हुआ है 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। प्रश्न ये पूछता है, समझिएगा ये इम्पोर्टेंट है, पूना पैक्ट जो हुआ है वो किनके मध्य है, तो इम्पोर्टेंट है। पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। ये इम्पोर्टेंट है।
पूना पैक्ट जो हुआ था वह किनके किनके मध्य हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। नेक्स्ट समझते हैं नमक सत्याग्रह, इंपोर्टेंट है ये भी, नमक सत्याग्रह आंदोलन आंदोलन समझते हैं। जो नमक सत्याग्रह आंदोलन है कब से कब हुआ था, तो 12 मार्च समझिएगा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, यानी कितने दिन तक चला था, तो 24 दिन तक। समझिएगा जो नमक सत्याग्रह आंदोलन है या नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने किए थे, समझिएगा कब से कब तक चला था, तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, यानी कि 24 दिन तक। समझिएगा यह कितने अनुयायियों के साथ निकले थे, यानी जो महात्मा गांधी नमक कानून सत्याग्रह को तोड़ने के लिए थे, तो ये कितने अनुयायियों के साथ निकले थे, तो ये निकले थे 79 अनुयायियों के साथ। सभी का सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट समझते हैं अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न समझते हैं बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 को। यह किसके विरुद्ध में निकला था, तो किसानों की लगान की वृद्धि के लिए, समझिएगा किसानों की लगान की वृद्धि के लिए, किसानों के लगान वृद्धि के लिए। समझिएगा बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 को। इसका कारण क्या था, कारण था किसानों की लगान को वृद्धि के लिए। इससे रिलेटेड व्यक्ति कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी इसका नेतृत्व तो किसने किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछता है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन व्यक्ति हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट समझते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी आज का जो भी टॉपिक है वो सभी का सभी इम्पोर्टेंट है, यानी किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है, और कितने परीक्षा में पूछा गया है इसका कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। इसके नेतृत्व में कौन से व्यक्ति थे, तो जनरल ओ डायर। प्रश्न यही पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। तो नेक्स्ट समझते हैं रॉलेट एक्ट। यह कब हुआ था, तो रॉलेट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो 19 मार्च 1919 को। इसको बोला जाता है काला कानून, रॉलेट एक्ट को बोला जाता है काला कानून। प्रश्न पूछता है कि काला कानून किसको बोला जाता है, तो रॉलेट एक्ट को। क्यों काला कानून बोला जाता है समझ लीजिएगा, इस समय क्या हुआ था समझिएगा, जो रॉलेट एक्ट हुआ था तो इस समय शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, यानी जिस व्यक्ति पर शक था कि हाँ इसी के विरोध में ये थे, चाहे कोई भी कुछ भी शक हो, तो उसको क्या किया जाता था, तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना कारण बताए हुए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसलिए उसको बोला जाता था काला कानून, यानी बिना किसी कारणवश
किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। समझिएगा, रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो 19 मार्च 1919 को, जिसको काला कानून बोला जाता है। नेक्स्ट समझते हैं, अगला समझते हैं, समझिएगा, अगला पढ़ेंगे हम लोग चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चौरा चौरी कांड में क्या हुआ था, समझिएगा, यहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ के लोग थे, जुलूस निकाले थे, जिसको पुलिस ने जुलूस रोकने की कोशिश की, तो गांव वाले ने क्या किया कि थाने को ही जला दिए। गांव वाले ने क्या किया, थाने को ही जला दिए, जिसमें 21 सिपाहियों की मौत हो गई। जब मौत हो गई तो समझिएगा, जब महात्मा गांधी को खबर चला कि हाँ यहाँ पर ये कांड हुआ है और 21 सिपाहियों का मौत हो गया है, तो यह क्या किया, तो महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन को वापस कर लिए थे। तो प्रश्न पूछता है कि कौन से कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिए थे, तो यह है चौरा चौरी कांड। यानी चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। नेक्स्ट समझते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट समझते हैं बंग भंग आंदोलन, समझिएगा, नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 को। 1905 को किसके विरुद्ध में, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, समझिएगा। नेक्स्ट समझते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, समझिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 को। स्थापना कब हुई है, 1906 को। प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, तो 1906 को। इसके नेतृत्व में कौन से व्यक्ति थे, तो आगा खां थे, समझिएगा, आगा खां, और थे सलीम उल्ला। इम्पोर्टेंट है प्रश्न, समझिएगा, तो समझिएगा बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, 1905 को, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। मुस्लिम लीग की स्थापना पूछे तो 1906 में। इसके नेतृत्व में कौन से व्यक्ति थे, आगा खां और सलीम उल्ला थे। नेक्स्ट समझते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट समझते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। इसके नेतृत्व में कौन व्यक्ति थे, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट समझते हैं नेहरू रिपोर्ट को कब पारित किया गया, तो समझिएगा 1928 को। इसके नेतृत्व में कौन व्यक्ति थे, तो इसके नेतृत्व में व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। समझिएगा, नेहरू रिपोर्ट के समय इसके नेतृत्व में कौन व्यक्ति खड़े थे, तो मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट समझते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझते हैं कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 को
कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 को। क्या हुआ था समझिएगा, जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो इस समय गरम दल के नेता अलग हो गए और नरम दल के अलग नेता हो गए। तो समझिएगा प्रश्न ये बनता है कि इनमें से कौन से व्यक्ति गरम दल से संबंधित है, प्रश्न यही बनता है। या प्रश्न ये बनेगा कि इनमें से कौन से व्यक्ति जो है गरम दल से संबंधित नहीं है। तो समझिएगा गरम दल के कौन कौन से नेता थे, गरम दल के कौन कौन से नेता थे। तो गरम दल के नेता थे, इसके लिए ट्रिक है समझिएगा, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, यानी समझिएगा लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल यानी तीन व्यक्ति थे वो गरम दल के थे। तो प्रश्न ये बनता है कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो गरम दल से संबंधित नहीं है। तीन इसमें से डाल देगा, एक अलग डाल देगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, इसे भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। गोलमेज सम्मेलन प्रश्न पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है समझिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है तो 12 नवंबर 1930 को। दूसरे की बात करें, दूसरी गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है समझिएगा 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो 12 नवंबर 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो 7 सितंबर 1931 को। तीसरे की बात करें, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को, 17 नवंबर 1932 को। ऐसे देख लीजिए, याद कर लीजिए, प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय कब हुआ था तो 1932 में। डेट का थोड़ा अंतर है, इसको याद कर लीजिए 12 नवंबर 1930, इसको याद कर लीजिए 7 सितंबर है और 17 नवंबर है। देखिए इससे प्रश्न क्या बनता है, इसको समझिएगा। प्रश्न इससे ये बनता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे, ये इम्पोर्टेंट है। यानी किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। समझिएगा किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। एक प्रश्न ये बनता है कि कौन से, यानी कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले में भी थे, दूसरे में भी थे और तीसरे में भी थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रश्न यह बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रश्न ये बनता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिए थे, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिए थे, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिए थे।
सभी का सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।